हेलो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन ऑफ फ्लेवर टी में। आज हम बनाने वाले हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ यह हमारी दादी माँ बनाया करती थी जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो हम बनाने वाले गोविंद भोग राइस से एक नई रेसिपी। तो ये चिकन को हमने मैरिनेट किया हुआ 3 से 4 घंटे हो गए। ये चिकन आलू दोनों ही है। इसमें हमने 150 ग्राम दही, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और फूड कलर देकर हमने मैरिनेट किया हुआ है। यह है गोविंद भोग राइस, इसे हम धोकर भिगा लेंगे। अब ये ख़ास चीज़ है, ये देखें, जो पहले कभी नहीं किया था आपको बता रहे हैं। हमने प्याज का छिलका थोड़ा सा ऐड किया है, उसमें हमने इलायची डाला, कबाब चीनी डालेंगे, दालचीनी का 2 टुकड़ा, लौंग, और ये गोल मिर्च है, बस इतना सा। अब ये है सौंफ, धनिया, जीरा, शाही जीरा, कबाब, ये जावित्री और स्टार एनिस। ये सबको हम पानी में डाल के 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। ये बहुत ख़ास प्रोसेस है जो हमारी दादी अक्सर किया करती थी, तो हमने सोचा आपसे भी शेयर किया जाए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में इस रेसिपी का नाम बताएं, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो ये हमने 50 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है और 100 ग्राम इसमें हम रिफाइंड ऑयल को ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे प्याज, इसे बस लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सॉफ्ट सा ब्राउन कर लेते हैं। ये फूल भी हम थोड़ा ऐड कर देते हैं पानी में। यह 1/2 लीटर पानी है, इसको बॉईल करके हम आधा कर लेंगे, उसके बाद बताते हैं आपको। और ये मैरिनेट में हमने हरी मिर्च, आलू बुखारा और ये खास है आम अदरक है, इसे हमने कूट लिया है, तो उसको हम चिकन में रख देंगे। और बाकी रहा जिंजर गार्लिक को हमने पेस्ट नहीं किया, बस इसे कूट लिया है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसके साथ ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इसके स्मेल अच्छे से आ जाए। तो डालते हैं, तो ये देखिए, ये आलू बुखारा, आम अदरक, मिर्च और ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त आलू। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम पूरा नहीं कुक करेंगे, बस इसे थोड़े देर के लिए। और ये 100 ग्राम किशमिश है, इसे हमने धो लिया है, हम इसे भी डाल देंगे इसके साथ ही। तो जिस तरह से हमारी दादी माँ बनाया करती थी, हम बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं। तो इसे आप बनाए खाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगी हमारी दादी माँ की ये रेसिपी, जो बहुत जल्दी बन जाती है और काफ़ी मज़ेदार होती है। ये पानी देखें, ये बॉयल हो चुका है, तो हम उतार लेते हैं इसे। अब ये चावल को हम ऐड कर देते हैं। चिकन ने पानी छोड़ दिया है, हमने थोड़ी देर के लिए बस उसे भुना था। अब ये सारे चावल को हम डाल देंगे। चावल का जो पानी हो ना, उसको ना डालें, क्योंकि गोविंद भोग राइस बहुत कम टाइम लेते हैं और हम कुकर में बना रहे हैं तो इसमें बहुत कम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन का ऑलरेडी पानी निकल चुका है। अब इसको क्या करना है, हम इसमें स्टैंड करेंगे। ये दूध है, फूड कलर है, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, मीठा इतर और शाही गरम मसाला हमने पहले से प्याला में रखा था, हम इस पानी को उसमें ही निकाल लेते हैं इस तरह से। तो बस इतने ही पानी हम ऊपर से डालेंगे, मतलब एक प्याला, इससे ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ रहा है और ये बन रहा है कुकर में, और ये बासमती राइस नहीं है, ये गोविंद भोग राइस है। तो हम इसे 2 सीटी सिर्फ लगाएंगे पहले,
तो दो सिटी हो चुकी है। ये देखें काफ़ी अच्छे से खुशबू आ रही है, तो हम थोड़ा सा इसे हल्का सा उलट लेंगे ताकि जो ऊपर अगर कच्चा हो तो वो भी कुक हो जाएगा। इसको लगाने के बाद जैसे सीटी आएगा ना तो बस उसमें ही हम बंद कर देंगे। आप स्टोव पर बना रहे हो तो स्टोव को बंद कर देना, सीटी आने नहीं देना, बस उसमें हवा भरते ही आपको बंद करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है। हमारी गैस ख़त्म हो गई इसलिए हम इंडक्शन बना रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सबसे कंफर्टेबल होता है इसमें बनाना और इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हम इसे बस सीटी उसमें भरने तक ही रुकेंगे, सीटी मारने नहीं देना है और 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा है। हाँ तो हमारा कंप्लीट। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी के नाम क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारी दादी माँ टमाटर वगैरह यूज़ नहीं करती थी, ताकि ऐसे खाने आप सफ़र में भी ले जा सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने आम अदरक का यूज़ किया करते थे, तो इसलिए हम शेयर कर रहे हैं आपसे। ये काफ़ी मज़ेदार आते हैं खाने में, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।